यूपी में खत्म हुआ सातवें और आखिरी चरण के लिए चुनावी शोर। 9 जिलों की 54 सीटों पर 7 मार्च को डाले जाएंगे वोट। 613 उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया बड़ा दावा, यूपी चुनाव में 80% सीट जीतेगी भाजपा, 20% सीटों पर विपक्ष करेगा बंटवारा। समाजवादी पार्टी में शामिल हुए भाजपा सांसद रीता बहुगुणा जोशी के बेटे मयंक जोशी। आजमगढ़ की चुनाव रैली में अखिलेश यादव ने किया ऐलान, लखनऊ कैंट से टिकट नहीं मिलने से थे नाराज। अमूल के बाद मदर डेयरी ने भी बढ़ाए दूध के दाम, प्रति लीटर 2 रुपए का हुआ है इजाफा, 6 मार्च से लागू होंगी बढ़ी हुई कीमतें।